देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सिद्धार्थ और विमी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तो विमी का भी एग्ज़ाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिद्धार्थ का तो मंडे से एग्ज़ाम है हाफ ईयरली, तो लेके बैठा हुआ है। और अब मैं किचन में चलूँगी, विमी किचन में अपना काम निपटा चुकी है, अब मैं किचन में चलूँगी अपने हिस्से का। जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ डिनर में, वही बनाने चल रही हूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग हेल्दी और खुश और फिट फाट होंगे। फ्रेंड, मैं आज बना रही हूँ लंच में डिनर में, ये देखिए बॉयल मटर को मैंने बॉयल कर दिया, सवेरे से भिगो के रखा था, इसको मैंने एक दो सीटी लगा के बॉयल कर दिया। फ्रेंड, अब इसी की मैं सब्जी बना रही हूँ, यह काफ़ी अच्छी लगती है मेरे बच्चों को। तिवारी जी ने कहा था इसको बनाने के लिए, तो मेरी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी, हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ सब कुछ मैं फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है। और मेरा तेल भी गर्म हो गया है, ओह मैं तो डब्बा ही नहीं लाई। मसाला दानी फ्रेंड मैं वहीं उसी कमरे में भूल गई थी, अभी मैं पंचफोरन ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये प्याज और लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा मैं इसको स्लो कर दूँगी अदरवाइज छिटकेगा। प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, मैंने टमाटर कट किया हुआ है बड़ा सा, तो ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पास कर दूँगी। फ्रेंड, मैंने ग्रीन चिली नहीं पीसा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ग्रीन चिली ख़त्म हो गई थी, दो चार रखी हुई है, वो इमरजेंसी के लिए रखी है। आज हम लोग बाहर गए थे लेकिन मैं भूल गई थी लेना। फ्रेंड ये देखिए, अभी मैं एक चम्मच धनिया डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर, और एक चम्मच जीरा पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर दूँगी, ताकि हमारे मसाले जल्द से जल्द भुन जाएं। नमक डालते ही हमारे टमाटर वगैरह जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये जल्दी से हमारा मसाला भुन जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती, इतना मसाला काफ़ी है मेरे उतने सारे छोलों के लिए। हमारे देखिए मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, टोमेटो भी एकदम से गल के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं अपने बॉईल किए हुए छोलों को इसमें डाल दूंगी। और क्योंकि छोले हमारे बॉईल हैं, उसमें का जो पानी है वो भी बॉईल है, इसीलिए हमारी सब्जी बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। एक बॉईल आने के बाद मैं इसे उतार दूंगी, फिर ये बन जाएगी। इसे मैं अभी ढक के रख देती हूँ ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। मैं इसमें फ्रेंड मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना भूल गई थी, मुझे लगा मैंने ग्रीन चिली पीसा हुआ है, तो मुझे अभी याद आया कि मैंने मसालों में चिली नहीं पीसा है, क्योंकि मेरी चिली फिनिश हो गई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर, मेरे यहाँ थोड़ा सा तेज ही खाते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया तीखा थोड़ा तेज ही खाते हैं, वरना मेरा ऐसे ही बन जाता छोला और उसमें मिर्ची न रहती। अब मैं इसे ढक दूंगी बॉईल होने तक के लिए। देखिए फ्रेंड, हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मैंने इसे स्लो कर दिया था क्योंकि ये बॉईल हो चुके हैं, अदरवाइज इसका जूस जल जाएगा। अब इसे मैं बंद कर दूंगी क्योंकि ये बन चुका है। यहाँ देखिए फ्रेंड, सिद्धार्थ विमी का ब्रेकफास्ट चल रहा है। अभी सिद्धार्थ का मैं वो लेके ही बैठी थी, क्योंकि कल से उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इसीलिए वीडियो बनाने में मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, कोशिश करूँगी कि अगर वीडियो भी अपलोड कर सकूँ और उसकी क्लास भी करा सकूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कल मंडे से 10:30 बजे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और यही टाइम रहता है मेरा वीडियो बनाने का। देखिए क्या कर सकती हूँ, कल देर सवेर जाएगा, फिर शाम तक या रात तक जाएगा मेरा ब्लॉग। यहाँ पे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अपना अपना लेके पढ़ाई बैठे थे अभी। इसके बाद फिर से अभी तक स्नान भी नहीं किया उन लोगों ने, सवेरे से ही लेके कॉपी किताब बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी हेल्दी खुश और फिट होंगे। गाइस, मैंने अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया, आज आप लोग देख रहे हैं मैंने अपना हेयर वॉश किया हुआ है। हेयर वॉश करने के बाद ये इतना भारी सा टॉवल सिर के ऊपर लग जाता है,
तो अभी थोड़ा सा इसका पानी सूख जाएगा तो उसके बाद बाल झटक लूंगी तो फिर फ्री हो जाऊंगी गाइस। और आज के दिन बाल धोने के बाद फिर उसको तेल लगाना, कंघी करना, ये एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है मेरे लिए। जिनके ज्यादा बाल होते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता है गाइस। आई होप, आगे ये बात बोलना चाहूंगी कि आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे अच्छे व्यूज आने चाहिए गाइस। और डेली वही रिक्वेस्ट करती हूँ, और ढेर सारे आप लोग लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट तो आप लोगों के आते ही हैं, कमेंट के लिए कोई शिकायत नहीं है गाइस। और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप लोग नहीं जाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे गाइस। और वो वीडियो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर तो कम होना कंटिन्यू बना हुआ है, वो मतलब क्या करूं, कम हुआ चला जा रहा है, कब तक अब ये सिलसिला रुकेगा ये भी नहीं समझ में आ रहा गाइस। तो चलिए, तो ऐसी और बहुत देर हो रही है, ऑलरेडी 11:30 बजने वाले हैं और काफी देर हो गई है, मुझे आज नहाने में भी देर हो गई। सिद्धार्थ का लेके बैठी थी, आप लोगों को तो बताया मैंने मंडे से, उसके 10:30 बजे मॉर्निंग से उसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, एक दिन में 3 पेपर होंगे, तो उस वजह से मैं उसी में रहूंगी। 10:30 बजे से मेरा मोबाइल एंगेज हो जाएगा, दैट मीन्स मॉर्निंग रूटीन कैप्चर कर पाऊं कि नहीं, क्या कल ब्लॉग डालूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। तो आई थिंक आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, काफी व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा भी है कि कोई बात नहीं दीदी, आप पहले बच्चे का एग्जाम देखिए, और पहले एग्जाम देखना बनता भी है, ब्लॉग अगर डाल सकी तो ठीक है, नहीं डाली तो कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कब डलता है। कोशिश तो करूंगी कि रात तक या शाम तक मैं ब्लॉग आप लोगों को दे सकूं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब ज्यादा बात ना करते हुए आगे का काम देखूं, क्योंकि ऐसे एक आधा काम हो चुका है, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो ही चुका है, सारे काम हो ही चुके हैं, तिवारी जी भी आके ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। अब दोपहर का लंच बनाना है, लंच में भी ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, आधा तो बन ही चुका है, चलिए आगे का काम देखते हैं। लीजिए फ्रेंड, आप लोग भी छुहारे और दूध खा लीजिए, आप लोगों को दे रही हूँ। अभी अभी मैंने बाल से टॉवल उतारा है, और थोड़ा सा पंखे के जो फर्राटा फ़ैन होता है उसको चालू करके सामने बैठी हूँ, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर नहीं करने से दोनों फ़ैन का, सीलिंग फ़ैन का और सामने वाले फ़ैन का, इतना आवाज़ आ रहा था वीडियो में कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने उन आवाज़ को डिलीट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहीं पर 2 मिनट के लिए, वो भी इस समय कम से कम 11:30 हो गया मुझे खाने में, काफ़ी देर हो गई थी, क्या करूँ, वीडियो आज स्टार्ट करने में ही देरी हो गई। सिद्धार्थ का मैं देख रही थी उसका ऐप, क्योंकि कल से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो वही देख रही थी फ्रेंड उसी में, लेकिन पहले तो उसको देखना होगा। आजकल 2-3 दिन से पहले मॉर्निंग में सो के उठते ही चाय वगैरह पीने के बाद मैं उसी का लेके बैठ जाती हूँ, और उसका भी जो भी सिलेबस बाकी है, अभी भी बाकी है सिलेबस, क्योंकि जैसे डेली क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वैसा ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा आलस हम लोगों को भी आ जाता है, क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। ब्रेकफास्ट के थोड़े बर्तन है फ्रेंड, वही धो रही हूँ, सिद्धार्थ मम्मी के और तिवारी जी के तो मैंने धो दिए थे, ये देखिए थोड़े से बर्तन धुल के रखे हुए हैं, सवेरे के चाय का, बच्चों के दूध का, क्योंकि मम्मी कर नहीं सकती इसलिए मेरा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो वही बर्तनों को धुल रही हूँ, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है, ब्रेकफास्ट के इन लोगों के थोड़े थोड़े बर्तन, क्योंकि मैं अपने हाथ से धोती हूँ फ्रेंड, तो इसीलिए मैं जब थोड़े थोड़े धोते हैं मैं उसी समय धो देती हूँ, ज्यादा मैं बर्तन ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बेसिन में उतना मतलब जगह नहीं रहता है, ढेर सारा कर लो तो खुद ही को देख के आलस आता है उसको धोने में, तो अभी सिर्फ सिद्धार्थ मम्मी के ही नाश्ते की प्लेट की आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, बस वही करना है। मेरा डेली रूटीन, सिद्धार्थ वॉशिंग मशीन में पानी भर दिया, सवेरे दूध पीते ही सबसे पहला काम वो यही करता है वॉशिंग मशीन में पानी भरने का, तो वॉशिंग मशीन में पानी उसने भर दिया है, लेकिन पानी भरता है तो चारों तरफ पानी पानी कर देता है, आप लोग देख रहे हैं मुझे साड़ी को पैर में फंसा के करना चलना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो नीचे से साड़ियाँ मेरी साड़ी मेरी पूरी भीग जाएगी,
और यहाँ विम्मी को कितना भी बोलो, विम्मी निम्मी सिद्धार्थ को कि अपने कपड़ों को सीधा करके डाला करो, फिर भी निम्मी तो कभी कभार सीधा कर देती, विम्मी के रोज़ उल्टा ही रहते हैं कपड़े। आज तिवारी जी का 2 दिन पर कपड़े निकले हुए हैं ड्यूटी के, क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख को मिल बंद थी तो जाना नहीं हुआ। सबसे बड़ा बर्डन वही होता है उनके कपड़ों का, और हम लोगों के जो डेली रूटीन के कपड़े वही सब एक साथ डाल दे रही, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जब डेली धुलते हैं और 5 लोग हैं तो उस हिसाब से बस 10 कपड़े होते हैं, तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं। चादर वादर मैं रोज़ ही धोती नहीं हूँ, क्योंकि वो उतना मेरा मेरे बच्चे बड़े हैं, उतना गंदा नहीं करते हैं, तो इसीलिए नेचुरली जो गंदा होता है सो होता है। अदरवाइज़ मेरे चादर और पिलो कवर वगैरह उतने गंदे नहीं होते हैं, पूरा गीला करके रख दिया है। दाल और सब्जी फ्रेंड बन चुकी है। मैं अभी चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि कोड़े की सब्जी थी तो कोड़ा मैंने आप लोगों से शेयर ऑलरेडी किया था अभी कल ही शायद, तो आज फिर वही बना रही, मुझे बहुत अच्छा लगा था कल का, तो इसीलिए मैंने उसकी रेसिपी आप लोगों से आज शेयर नहीं की फ्रेंड। और चावल चढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है, चावल जैसे बनेगा काम खत्म। देखिए फ्रेंड, वाईचू को जैसे ही मैंने आवाज़ दिया, वाईचू ये वहाँ पर भट्टाचार्य आंटी के दरवाजे पर बैठी थी, जैसे ही आवाज़ दिया देखिए वाईचू की पूंछ, देखिए इसकी पूंछ। आज इसको इतना लेट हो गया, दोपहर में आई है बोलिए खाने, मॉर्निंग में डेली आती है। वाईचू इतना देर क्यों कर दिया बेटा, मैं कब से इंतजार कर रही थी, क्यों इतना देर कर दिया। देखिए जैसे सारी बातें समझ रही है, कहते ना इंसान के बाद डॉग ही सबसे ज्यादा समझदार होता है। देखिए हाँ, इतना देर क्यों किया, कहाँ थी, मैं इंतजार कर रही थी। देखिए उसकी पूंछ, देखिए उसकी टेल लग रही है, नीचे से झाड़ू लगा रही है। देखिए वो विम्मी को देख रही है कि विम्मी देगी उसको, देखिए विम्मी को, विम्मी ने भी आज बाल धोया, संडे है। कितनी भूख लगी है वाईटू को, देखिए कितनी भूख लगी है, अभी तक पता नहीं कहाँ थी। मेरा ये वाली देखिए, ये वाली टंकी का चावल अब खत्म हो चुका है, मैं 2 टंकी में चावल रखती हूँ, अब ये नीचे वाले में चावल है। ये सिद्धार्थ को दिखाओ, सिद्धार्थ को दिखाओ, कैसे नीचे सिद्धार्थ छुप छुप के जा रहा था कि कैमरे में ना आए। बच्चू का हो गया खाली, बच्चू का खाके हो गया, मेरे चावल का आधान हो चुका है। मेरा आधान देखिए हो चुका है, वहां बच्चू को रोटी देने में ही देरी हो गई, तब से मेरा पानी एकदम बॉइल होने लगा। चलिए फ्रेंड, अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैंने पूरी पूरी मेहनत की है अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। वैसे आप लोगों के कमेंट से तो मुझे पता ही चलता है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड, लेकिन व्यूज तो बढ़ने चाहिए, कम से कम 200 के ऊपर भी नहीं जा रहा, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग मेरे ब्लॉग्स को प्रॉपरली देखिए, और वॉच टाइम भी बढ़ना चाहिए, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा। और फ्रेंड आप लोगों को पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट लो, आप लोग करते ही हैं,
और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन प्रेस करके ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और विदाउट बेल आइकन का तो कोई वर्थ नहीं है फ्रेंड। और चलिए अब इस ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है, अब तिवारी जी के आने का टाइम हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है 1 से 1.5 के बीच वो आते हैं। और मॉर्निंग का रूटीन जो भी है, जो भी जैसा भी ब्लॉग बना है मैंने आप लोगों के सामने मतलब उसका ब्लॉग बना के दे दिया है, अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग उसको क्या रिस्पॉन्स करते हैं फ्रेंड। आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही मेरा पूरा दारोमदार रहता है, और दूसरे दिन ब्लॉग बनाने की उसी पर इच्छा होती है, जैसा पिछले ब्लॉग का जो भी व्यूज आते हैं उस हिसाब से ही मन करता है। प्लीज फ्रेंड आप लोग अच्छा अच्छे अच्छे ब्लॉग देखिए, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती हूँ, आप लोग व्यूज दीजिए, व्यूज देने से हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलता है कि हम लोग और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए। तो चलिए ज्यादा लेंथी, अदरवाइज आजकल ज्यादा लेंथी हो जा रहा है, नए मोबाइल में जरा ज्यादा ही लेंथी हो जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स वो भी देख रहे हैं, उसमें उनको कोई शिकायत नहीं है कि लेंथी हो गया है। तो कल फिर आऊंगी एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय।